खराब मौसम के साथ जुकाम भी लगी है हमें, और हमारी दीदी जी को भी जुकाम लगी है। और एक्चुअली मैं थोड़ा ऊपर आ रही थी, यहाँ पे कुछ काम था मेरा। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो दोस्तों, नाश्ता हमने कर लिया है, ब्लॉग काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ। एक्चुअली बीच में क्या हुआ कि मेरे फ़ोन की डिस्प्ले चली गई थी, और यहाँ से मार्केट भी दूर है, तो फ़ोन को ठीक कराने में थोड़ा टाइम लगा, इसीलिए मैं रेगुलरली ब्लॉग नहीं बना पाई। तो दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं रेगुलरली ब्लॉग बनाती रहूँगी। तो मौसम की बात करें तो आज धूप भी अच्छी आ रही है, और आसमान में थोड़े थोड़े बादल भी आ गए हैं, क्योंकि कल परसों लगातार 2-3 दिन से बारिश चल रही थी, और कल भी अच्छी धूप आई थी। आज भी थोड़ा धूप दिखाई दे रही और बादल भी आ गए हैं चारों ओर से, ये देख सकते हैं आप। और आजकल पहाड़ में जो है कि पेड़ों पे ये फलों पे फूल भी आने लग गए हैं, और ऐसा नहीं बोलते पहाड़ों में मोलियार, तो वो आ गया। तो ये रहा हमारे बगड़ का नज़ारा। सर्दियों के टाइम पे हम यहीं बगड़ में रहते हैं, और ये नीचे देखिए फील्ड है, काफ़ी बड़ा है। और पहले जो इतना वाइट वाइट यहाँ पे ये नदी बह रही है बीचों बीच, नहीं दिखाई दे रहा है, वहाँ पे पहले तालाब हुआ करता था जो दुर्मी ताल के नाम से प्रसिद्ध था। और यहाँ पे ये गेहूँ बो रखे हैं, इतना बड़ा खेत ही काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं आजकल खेत और पेड़ पौधे, क्योंकि ये देखिए जो है आरू के पेड़, पॉलम वगैरह पेड़ों पे आजकल जो है वो फूल खिले हुए हैं, और कल परसों गर्मी के टाइम पे अब इनके फल खाने लायक हो जाएंगे, फल आ जाएंगे इन पे। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत। सर्दियों के मौसम में पहाड़ रूखे सूखे से दिखाई दे रहे थे, आजकल अब थोड़ा थोड़ा हरी घास भी आने लगी है यहाँ पे पहाड़ों में। कल परसों पहाड़ फिर से हरे भरे हो जाएंगे, और हमारे पहाड़ फिर से हरे भरे चादर से ढक जाएंगे, और बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। तो ये रहा हमारे गांव का नज़ारा। आजकल का मौसम ऐसा ही हो रखा है, कहाँ यार इंस्टाग्राम पे। और ये हमारी दीदी जी हैं, खेतों में हल लगा के यहाँ पे काम कर रही हैं। बस आजकल यही काम हो रहा है हमारे पहाड़ में। मौसम के साथ जुकाम भी लगी है हमें, और हमारी दीदी जी को भी जुकाम लगी है हमें। और एक्चुअली मैं थोड़ा ऊपर आ रखी थी, यहाँ पर कुछ काम था मेरा, तो मेरे को यहाँ पे दीदी जी मिली, तो मैं सोचा खेत के रास्ते ही चली जाती हूँ मैं अपने घर की ओर को। तो अब चलते हैं घर की ओर। दोस्तों ये देखिए मछली के छोटे छोटे बच्चे, कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ये गाइस मछलियों के छोटे छोटे बच्चे, वाह मुझे तो मछलियों के बच्चे काफ़ी खूबसूरत लगते हैं यार, बहुत ही अच्छे लगते हैं, प्यारे से छोटे छोटे देखे, वाह। अरे सारे घर का काम भी कर लेते हैं, और टाइम भी 11 बज चुके हैं, और उसके बाद खाना बनाने की तैयारी भी करें। आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा वो कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय।